नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पिंकी कोसी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर और शिमला मिर्च की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, जो कि आपके घर में सभी को पसंद आने वाली है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ, आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शिमला मिर्च की सब्जी बनाना शुरू कर लेते हैं हम। उसके लिए हमने ये 100 ग्राम शिमला मिर्च ली है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। और ये हमने 100 ग्राम ही पनीर लिया है, पनीर भी बिल्कुल फ्रेश पनीर है। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को कट करेंगे। शिमला मिर्च के बीज हटा देंगे बीच में से। तो इसी तरह से हम सभी शिमला मिर्च को काट लेंगे। तो ये देखिए, हमने शिमला मिर्च को काट लिया है, इसके हमने बीज हटा दिए हैं। तो अभी हम पनीर को दिखा देते हैं। पनीर के भी हमने इस तरह के पीस किए हैं छोटे छोटे। और ये हमने 2 टमाटर लिए थे, उनको भी हमने रफली काट लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं, आप चाहो तो इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हो, या फिर आप इनको भी रफली काट सकते हैं, लेकिन हम मिर्चों को काट कर ही डालेंगे, हम इनका पेस्ट नहीं बनाएंगे। हमने मिर्च को तो काट लिया है, आप चाहो तो इसी समय इसमें लहसुन और प्याज भी काट सकते हो, अगर आप खाना पसंद करते हो तो। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो इधर हमने लिया है एक कढ़ाई को, उसमें हम डालेंगे गरम होने पर 1 चम्मच तेल। आप घी में भी बना सकते हो। गरम होने पर अब इसमें हम पनीर को काटा था उसके पीस डालेंगे। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, और स्लो फ्लेम पर हम इस पनीर को भून लेंगे अच्छा लाल होने तक। तो ये देखिए, हमने पनीर को अच्छे से पका लिया है। इसी तरह का हमें पनीर को पकाना है, आप देख सकते हो अब ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। अब इसी तेल में हम 1 चम्मच जीरा और ये जो धनिए के बीज होते हैं, सूखा धनिया जिसको बोलते हैं, वो डाल देंगे, और अच्छे से इनको भी क्रैकर होने दें। जीरे को लाल होने पर हम इसमें मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्चों को जो काट कर रखा है। और ये मिर्चें भूनने पर टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और आधा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, और स्वाद के अनुसार डाल देंगे हम नमक। सब चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मिक्स करने पर थोड़ी सी देर में ही हमारे टमाटर जो है एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसी तरह का हमें टमाटर को करना है, ज़्यादा भी नहीं पकाना। अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च को भी टमाटर के मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, अभी हम शिमला मिर्च को चेक करेंगे। हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, शिमला मिर्च को हल्का सा ही सॉफ्ट करना है। तो ये हमारी शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अभी इसमें हम पनीर डाल देंगे, जो हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है। और अच्छे से शिमला मिर्च के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब इसमें हम कुछ मसाले और डालेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप कच्चे आम है तो उनका थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला। अब ये चीज़ें डालकर मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसको हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ढककर। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनेगी कि हर बार इसी तरह से बनाना पसंद करोगे आप। तो इस सब्जी को हम सर्व करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमने सब्जी को सर्व कर दिया है। अब आप इस सब्जी को पराठे या पूड़ी के साथ एंजॉय ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।